सीताफल आप सभी को तो पता होगा सीताफल के बारे में, क्या आप जानते हैं उनके गुणों के बारे में? मैं रिया लालवानी आज आपको सीताफल से होने वाले फायदों के बारे में बतलाऊंगी। सीताफल को शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह फल साल के अंत में ज्यादा मिलता है। इस फल के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, इसलिए सीताफल के फायदे कम ही लोग जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका संबंध राम और सीता से है। माता सीता ने वनवास के समय सीताफल का सेवन किया, इसलिए इसका नाम सीताफल पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि सीताफल की तासीर ठंडी होती है, ठंडी मतलब शीत। पेड़ पर पका हुआ सीताफल बहुत ही पौष्टिक होता है। सीताफल बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है। इसके बीज काले रंग के होते हैं और स्वाद में मीठा होता है। दूर से यह अमरूद जैसा दिखाई देता है। आज हम आपको कस्टर्ड एप्पल बेनिफिट और सीताफल के फायदे के बारे में बताएंगे। सीताफल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और बीमारियों को दूर रखता है। सीताफल के सेवन से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, यह एनीमिया रोग से दूर रखता है। सीताफल में प्रोटीन और एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए यह शारीरिक कमजोरी को दूर रखता है और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है। सीताफल के नियमित सेवन से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकते हैं। सीताफल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे यह दिमाग को शीतलता और शांति देता है और याददाश्त को बढ़ाता है। सीताफल में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यह दिल के रोगों में फायदेमंद होता है। सीताफल ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखता है। सीताफल में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए सीताफल के पेड़ की छाल से बने दंत मंजन से दांत और मसूड़ों को फायदा मिलता है। सीताफल के बीज को पीसकर दूध में मिलाकर सिर पर लगाएं, इससे बालों को फायदा होगा। नए बाल आएंगे और जुएं मर जाएंगे, पर यह आँखों में नहीं जाना चाहिए। सीताफल में विटामिन ए पाए जाने से यह त्वचा, आँखों और बालों के लिए फायदेमंद होता है। यह त्वचा को सुंदर बनाता है। सीताफल के सेवन से पाचन तंत्र सही से काम करता है। सीताफल के सेवन से यह बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है और दीर्घायु बनाता है। सीताफल विटामिन सी से समृद्ध है, जो शरीर में मुक्त कण का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए है, जो कि स्वस्थ त्वचा, बेहतर दृष्टि और स्वस्थ बालों के लिए उत्तम है। इसमें मैग्नीशियम है, जो हृदय रोगों से दिल की रक्षा करते हैं और मांसपेशियों को आराम दिला सकते हैं। सीताफल में विटामिन B6 और पोटेशियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सीताफल तांबे में अमीर है, जो पाचन तंत्र के आयोजन के लिए अच्छा है, स्वस्थ पाचन और कब्ज रोकने में समर्थ है। यह आहार फाइबर से भरा है। सीताफल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा होती है। यह माना जाता है कि इस फल की मलाईदार गुदे को फोड़ों और अल्सर पे उपयोग किया जा सकता है। सीताफल को धूप में सुखाकर चूर्ण बनाकर इसका सेवन करने से पेचिस और दस्त ठीक हो जाते हैं। आप इसे दूध के वैकल्पिक में पेय के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। सीताफल के पेड़ की छाल में जो स्तंभक और टैनिन होता है, वह दवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके पेड़ के पत्तों को कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी छाल मसूड़ों और दांतों के दर्द को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। सीताफल में विटामिन ए के उच्च स्तर की वजह से आप स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ बाल और बेहतर दृष्टि पा सकते हैं। सीताफल वजन हासिल करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। सीताफल गर्भ में पड़ रहे भ्रूण के मस्तिष्क स्नायुओं की प्रणाली और प्रतिरोधक प्रणाली के विकास में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान सीताफल का रोजाना सेवन करने से गर्भपात की संभावना कम हो जाती है और बच्चे के जन्म के दौरान लेबर का दर्द भी अपेक्षाकृत कम होता है। कई लोग इसे गर्भावस्था के समय का चमत्कारी फल कहते हैं, जो मॉर्निंग सिकनेस, मतली, चिड़चिड़ापन और स्वभाव में अचानक परिवर्तन की समस्या से लड़ने में सहायक होता है। सीताफल बच्चे के जन्म के बाद माँ के स्तनों में दूध का अधिक उत्पादन करने में भी सक्षम साबित होता है। सीताफल में विटामिन B6 जैसे
पोषक तत्व होने की वजह से ब्रोन क्लियर सूजन और दमा के हमलों को रोकने में मदद मिलती है। सीताफल के सेवन से शुगर संतुलित रहता है। सीताफल में शरीर में होने वाले शुगर को सोख लेने के गुण होते हैं। सीताफल एक ऐसा फल है जिसके सेवन से बालों को अधिक पौष्टिकता मिलती है, जिसके कारण बाल अधिक समय तक काले बने रहते हैं। सीताफल के नियमित सेवन करने से रक्त पित्त और वायु से उत्पन्न विकार दूर होते हैं। विटामिन सी से भरपूर सीताफल आँखों की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की बेचैनी को दूर करने के लिए सीताफल के शरबत का सेवन करना चाहिए। सीताफल में घुलनशील रेशे होते हैं जो आपके पेट की पाचन क्रिया को सही रखते हैं। यहाँ तक यह डायरिया जैसे बीमारी में भी लाभ देता है। यह भारत के सभी प्रांतों में पाया जाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यह आमतौर पर ढालू जमीन जैसे पहाड़, नदी के किनारे आदि जगह पर देखे जा सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा फलदार पेड़ होता है जिस पर किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं। यदि आप प्राकृतिक उपचार के माध्यम से अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके आँखों की रोशनी के लिए सीताफल सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये फल विभिन्न आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन ए से भरा हुआ है, जो आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करता है। इसके साथ साथ इसमें रिबोफ्लाविन और विटामिन B2 भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इस प्रकार सीताफल हमारी आँखों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाता है। शुगर या मधुमेह की समस्या के लिए भी सीताफल बहुत अच्छा होता है। यह रक्त में शुगर के स्तर और साथ साथ मधुमेह के जोखिम को कम करता है। यदि आपको पहले से ही शुगर की समस्या है तो इसका एंटी हाइपरग्लिसोमिक प्रभाव शुगर की समस्या को और भी बढ़ने से रोकता है। मुहासे अक्सर पोर्स में बैक्टीरिया बनने के कारण होते हैं। सीताफल के मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण आपकी त्वचा की सहायता करते हैं। यह आपकी त्वचा में बैक्टीरिया को साफ करते हैं, जिससे मुहासे होने की संभावना कम हो जाती है। सीताफल में विटामिन ए उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो गुदा, अल्सर और फेफड़ों के इलाज के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करता है। यह न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि त्वचा की ललिमा और सूजन में भी राहत प्रदान करता है। सीताफल में मैग्नीशियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति शरीर में सामान्य द्रव को इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके सेवन से जोड़ों में तरल पदार्थ और एसिड को हटाकर गठिया और गठिया के जोखिम को कम किया जाता है। सीताफल का सेवन उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। नियमित रूप से शहद और सीताफल के मिश्रण का सेवन करने से शरीर में आवश्यक वजन के साथ साथ शरीर में आवश्यक कैलोरी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, जो स्वस्थ तरीके से आपका वजन बढ़ाने में मदद करता है। सीताफल पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हाई बीपी के स्तर को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए मदद करता है। रक्तचाप के स्तर में उतार चढ़ाव वाले लोगों के लिए दिन में सीताफल का सेवन करने से उन्हें रक्तचाप के स्तर को नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। सीताफल के बीज और पत्तों के कुछ ऐसे विषैले तत्व पाए जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इसके बीज और पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए सीताफल खाते समय ध्यान रखना चाहिए। गलती से साबुत बीज निकलने पर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीज बिना पचे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि वजन कम करना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में सीताफल ना खाएं, क्योंकि इसके अधिक उपयोग से वजन बढ़ता है। और इसी के साथ मैं रिया लालवानी आशा करती हूँ कि आप मेरे इन बतलाए हुए नुस्खों को जरूर अपनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।